नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं लेकर के आने वाली हूँ आपकी एडमिशन पॉलिसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2022-23 एडमिशन के लिए, तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे DU की एडमिशन पॉलिसी 22-23 के लिए। ये वीडियो उन वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो जो बच्चे 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिन्होंने CUET एग्ज़ाम फिल किया है DU में एडमिशन के लिए, बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों ने नहीं किया है और वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, तो वो भी जल्दी से CUET का फॉर्म फिल कर दें। डेट आगे बढ़ाई जा चुकी है, 22 मई लास्ट डेट है आप CUET में आवेदन करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा, अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना बेटा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात कर लेते हैं कि क्या है एडमिशन पॉलिसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो कुलपति योगेश सिंह ने मंगलवार को 2022-23 का जो सेशन है उसके लिए अपनी एडमिशन पॉलिसी जारी कर दी है। और क्या कहा है उन्होंने, उनको देख लेते हैं। तो शैक्षिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति जारी करने के बाद उन्होंने कहा है कि जो योग्यता है वो प्रवेश परीक्षा के अंकों पर तय की जाएगी। प्रवेश परीक्षा बेटा यहाँ पर ये कौन सी है, तो ये है आपकी CUET, जो आपकी प्रवेश परीक्षा रखी गई है, यानी कि CUET के बेस पे इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एनरोल करेगी सेशन 22-23 में। लेकिन इसके अलावा क्या होगा, आपकी जो मार्कशीट है उसमें से कितने नंबर लिए जाएंगे, तो विश्वविद्यालय ने प्रवेश सामान्य परीक्षा के माध्यम से होगा ऐसा कहा है। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश होगा CUET के माध्यम से। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कट ऑफ के आधार पर होता था इससे पहले, लेकिन नई एडमिशन पॉलिसी को एक ऐतिहासिक नीति बताते हुए कहा गया है कि स्कूल ऑफ अपर लर्निंग और राष्ट्रीय कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड को छोड़कर। ये चीज़ भी बेटा मैं आप लोगों को इससे पहले बता चुकी हूँ कि स्कूल ऑफ अपर लर्निंग, यानी कि अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, रेगुलर कोर्स नहीं करना चाहते हैं, SOL के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं या कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको CUET देने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सिर्फ रेगुलर डिग्री DU से करना चाहते हैं तो आप CUET एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी भी डिग्री के लिए आपको CUET एग्ज़ाम देना ही होगा। उन्होंने कहा सभी उम्मीदवारों के लिए CUET 2022 में उपस्थित होना अनिवार्य है जो DU में एडमिशन लेना चाहते हैं। अतिरिक्त शीटों पर भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको CUET एग्ज़ाम 2022 देना होगा। और जो आपका CUET एडमिशन यानी पात्रता मानदंड है वो इसी के अंकों के आधार पर तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कॉलेजों के लिए जो 50% आरक्षित सीट है उसमें 85% जो अंक हैं वो CUET से लिए जाएंगे और जो 15% अंक हैं वो कॉलेज द्वारा तय किए जाएंगे, जो कि आपकी बोर्ड मार्कशीट से लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गैर आरक्षित जो 50% सीटें हैं उस पर जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी वो विशुद्ध यानी कि पूर्णतः CUET के आधार पर ही होगी। जितने नंबर आप इस एग्ज़ाम में लेकर आएंगे उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। जीसस एंड मैरी सेंट स्टीफन, गुरु तेग बहादुर, खालसा जैसे अल्पसंख्यक कॉलेज में 50% सीटें जो होती हैं वो अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षित की जाती है। हनीत गांधी जो कि डीन है, उन्होंने कहा कि उम्मीदवार CUET के लिए उन्हें केवल उन्हीं विषयों में उपस्थित हो सकेंगे जो उन्होंने कक्षा 12 में पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वो विषय कक्षा 12 में नहीं पढ़े हैं और आप उसके लिए CUET एग्ज़ाम देने चले जाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ का भी बच्चे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उनका कहना है कि विषय बदलने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। CUET 2022 जो है उसको 3 खंड में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहले खंड को 2 भाग में यहाँ पे बांट दिया गया है।
13 भाषाएं पहले खंड में दी गई हैं और दूसरे भाग में 20 भाषाएं दी गई हैं। इन दोनों भागों में से संयुक्त रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को कम से कम एक भाषा की परीक्षा तो जरूर देनी है। प्रवेश परीक्षा के दूसरे खंड में 27 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से आपको अपना सब्जेक्ट चुन लेना है। जो तीसरा खंड है वो जनरल नॉलेज का है, जो केवल बीए कला स्नातक प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकांश कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक उम्मीदवार को दूसरे खंड से कम 3 विषयों का चयन करना होता है। ठीक है, पहले खंड से आपने एक लैंग्वेज चुन ली और दूसरे खंड से आपने 3 सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। और दूसरे खंड की जो 2 सूचियां हैं B1 और B2 के रूप में वर्गीकृत इसको किया गया है। उम्मीदवारों को उचित रूप से विषयों का चयन करना है ताकि एक समय में एक से अधिक विषयों का चयन ना किया जा सके। हनीत गांधी जी का कहना है कि अधिकांश BSc विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता की गणना जो होगी वो भौतिक रसायन और गणित या जीव विज्ञान के आधार पर, यानी कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री तो होगा लेकिन गणित या जीव विज्ञान में से कोई एक सब्जेक्ट आपका लिया जाएगा जिसके अंदर आपने अच्छा स्कोर किया होगा। उन्होंने कहा कि CUET में किसी एक भाषा में कम से कम 30% अंक हासिल करना अनिवार्य है। कला स्नातक में प्रवेश, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया भी रखा गया है DU में, यानी कि कम से कम 30% तो होना ही होना चाहिए। कला स्नातक में प्रवेश के लिए एक उम्मीदवार को खंड एक से किसी एक भाषा को और दूसरे खंड से किन्हीं 3 विषयों को प्रवेश परीक्षा में शामिल करना होगा। योग्यता की गणना उम्मीदवार द्वारा उसी विषय और भाषा में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। आप बी ए ऑनर्स करना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अर्थशास्त्र में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को CUET में गणित की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। गांधी जी ने कहा इसके लिए योग्यता की गणना चुनी हुई भाषा, गणित और किन्हीं 2 विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। एक उम्मीदवार CUET के लिए अधिकतम 6 विषयों में उपस्थित हो सकता है जिसमें से एक लैंग्वेज होना जरूरी है। उन्होंने कहा जब हमारे पास कट ऑफ था हम 4 विषयों में से सर्वश्रेष्ठ अंक ले लेते थे, उसी तरह यहाँ हम दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए CUET के सर्वश्रेष्ठ स्कोर को ही ध्यान में रखेंगे। BBA, BMS और BBE उम्मीदवारों को किसी एक भाषा, गणित और CUET के खंड 3 के अनुसार उपस्थित होना होगा। BA, बी वोकेशनल और BCom प्रोग्राम जिसमें कि पास भी हो सकता है, BCom पास के लिए उम्मीदवारों के पास एक विशिष्ट विषय और एक सामान्य परीक्षा या 3 विषय परीक्षा के साथ एक लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है। भाषाई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार CUET में एक विषय का भाषा चुन सकते हैं या किसी अन्य भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने कहा विशेष भाषा में उपस्थित होने वालों को वरीयता यानी कि इम्पोर्टेंस दी जाएगी, है ना। केंद्रीकृत ई परामर्श परीक्षण के बाद ही किया जाएगा। CUET के परिणाम घोषित होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा ई काउंसलिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक काउंसलिंग से पहले उम्मीदवार को अपनी पसंद फिर से भरने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा काउंसलिंग के तीर दौर होने की इस बार संभावना है। गांधी जी ने कहा, कौन से गांधी जी, हनीत गांधी, कि विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट को बुधवार से देखा जा सकेगा जिसमें उदाहरण भी दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवारों की मदद के लिए चैट बॉय भी काम करेंगे। प्रश्न पत्रों के चयन में उम्मीदवारों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क का प्रावधान होगा। उम्मीदवारों की मदद के लिए ओपन हाउस और वेबिनार आप लोगों के लिए आयोजित किए जाएंगे। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और गैर कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड NCWEB में आपको अगर एडमिशन लेना है तो कोई भी CUET एग्ज़ाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो 6 मई से शुरू हो चुकी है। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी प्रवेश नीति, एडमिशन पॉलिसी दिल्ली यूनिवर्सिटी 2022-23 एडमिशन के लिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।